ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वेद कतेब सब सासत इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप 35 की निर्मल सोई, आदि ग्रंथ के पृष्ठ 447 पे। अब इसका अनुवाद सावन सिंह जी ने किया है। वह अक्सर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा पार ब्रह्म में। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अरे वाह देवता, इस सतनाम ने लेकर चले थे ये। सतनाम सचखंड, सतनाम सत, सतनाम सार शब्द, सतनाम सतपुरुष, सतनाम सतलोक, सतनाम असली राम, सतनाम सचखंड और सतनाम हमारी जात। सतनाम असली राम और सतनाम तो दो अक्षर का है। सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम है और वो एक गुरुपुरा का हुआ जो दो अक्षर का वेद बतावे। तो ये शिवदाल ने और सावन सिंह जी को तो पता ही नहीं था दो अक्षर का। फिर ये पूरे गुरु कहाँ थे, तदूरे थे, तो नकली थे, डूब गए डबोगे। आगे देखो, कमाल कर दिया। देखो सामने लाल पड़ा है और जिसको परख नहीं है ठोकर मार के चला जाएगा। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मन को फिरा मोतिया बंदरे। आगे देखो सावन सिंह जी और क्या बोल रहे हैं। यू कह रहे हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अकल देख, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। फिर क्या कहते हैं कि आगे सुरत साफूडी पहुंच, ये कोई सुवाणी है इनकी। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम जात था, सतनाम सतनाम यानी सतखंड में जा रही है सतनाम में। अरे वाह, लाखों वर्ष रही इसको छोड़कर सतनाम में जा रही है। आगे चढ़कर ये कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं। सावन सिंह जी डिफाइन करे, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब देखो परमात्मा ने दया कर रखी है, कति सामने रखे वो दो अक्षर और तीसरा गुप्त है, ये सामने नहीं आने दिया परमात्मा ने। और फिर भी इनका समझ में ना, इनको अज्ञो मिलेंगे वो तो मरे पक्ष है, वो अक्षर पार ब्रह्म है। अपनात्माओं, समझदार को संकेत बहुत होता है। सौदागर समझदार व्यक्ति होता है, उसने अगर 100 मन चावल का कोई सौदा करना है तो बोरी के अंदर बारदाने में एक परखी मारता है, ऐसे लोहे की होती है वो, और बोरी के अंदर घुस के वह कुछ कणक उसमें जो माल है बाहर निकाल लेती है और उसको देखकर सौदा कर लेता है ये ठीक है कि या गलत है। या दास ने इनकी बोरिया में परखी मार मार दिखा दी थे, समझदार ने संकेत बहुत है। ये निरा अड़ंगा भर रहे गोबर चावल के स्थान पर कंकर भर रखी इन्होंने, ये समझ लेना। अब जिनका ज्ञान ही ऐसा है, जिनके दो अक्षर का जिनको ज्ञान ही नहीं है तो पूरा गुरु नहीं वो। ये तो 5 नाम का जाप करते हैं। ये 5 नाम का जाप करते हैं, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। और तुलसीदास जी हाथरस वाले जिनके ज्ञान को ये खुद भी सुनता था, शिवदयाल जी इसके माता पिता भी इसके चेले थे शिव हाथरस वाले तुलसी साहब जी के, वो क्या बताता है इन 5 नामों के बारे में।
क्योंकि तुलसीदास आथर्स वाले ये कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर स्वयंभू गुरु बन गया। और इसको भी सतनाम का पता नहीं, सुन रखा सतनाम अलग है, आदि नाम अलग है, पांच नाम न्यारे हैं। पांच नाम के पढ़ने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसने खुद कहा है पांचों नाम काल के जानो, उसे हटकर और नाम है, आदि नाम और एक सतनाम, वो इनको पता नहीं। अब देखिएगा ये घट रामायण भाग एक वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, इसके हम 27 पृष्ठ पर आते हैं। ये सदगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई है, यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलन है, ये यहाँ से छपी है जैसे भी है। अब इसके 27 पृष्ठ पे हम तो दिखाते हैं आपको, ये 27 पृष्ठ है, यहाँ पर है अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा छठवा नाम गुपत कर राख्या। पांच नामों से न्यारा एक छठा नाम और है, पांचों नाम जीव जब भाख्या छठवा नाम गुपत कर राख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराज ये काल ये पांचों बखानी। धर्मराज यहाँ काल को कहते, जीव नाम निज कह बिचारी जान बूझ दानी झकमारी, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो। होय होय फिर क्या बताया है, अब देखो ये कहना पांचों पांच नाम जीव जब भाख्या छठवा नाम गुपत कर रख्या, तेरा दस स्वामी वालों ने तो छठे नाम का भी ना बेरा, तो इसके मतलब ये इनकम्प्लीट ही ज्ञान और साधना, और वो भी गलत पांचों नाम काल के। आगे देखो जीव वचन दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी, सतलोक पुरुष के दर भगवान के दरबार में जावांगे हम, सुरत नृत ले लोक सिद्धाऊं आदि नाम ले काल ग्रह। आदि नाम है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये तुलसीदास को भी नहीं पता था ये कोड वर्ड आदि नाम, वो सार आदि नाम और वास्तव में कोई और है। और सतनाम ले जीव भारी, ये सतनाम दो अक्षर का है, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, हो गया क्लियर। इस इनके पांच नामों से अलग और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है, और ये सतनाम उसके मैं जोड़ रहे उन पांच उनके अंदर पांचों नामों में, यानी इनको कह कह भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो, सतनाम तो दो अक्षर का, वो सांस उस्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते हैं इसको। और सोहम शब्द कहते हैं हम लाए ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे हैं कि वो खरिश्मा नहीं है, वो कौन कौन से सोहम और ये आदि नाम ये तुम्हारे इनमें नहीं है, वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। अब एक के बाद तो सारी बात सेट हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। राधा स्वामी पंथ के चलाने वाले उसके आधार से सब भक्ति कर रहे हैं, तो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदास जी की क्या दशा हुई इन पांच नामों के जाप करने से। और शिवदास जी का कोई गुरु नहीं था, और कबीर साहब यानी हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 को फिर से आधार बनाते हैं जहाँ से सत्संग स्टार्ट हुआ था। इसमें कहा कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न उनकी न तो गति होती है न उनको सुख होता है न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। इसलिए अर्जुन सदग्रंथों को आधार मानो और समिथ्या बातों को छोड़ दो, कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में। हमारे सदग्रंथ सूक्ष्म वेद क्या बताते हैं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं से पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी साधना करता यूजलेस है, और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी वै गुरु अगे अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना जो करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो
फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर स्वर्ग में वो चले गए सुखदेव। यानी सुखदेव हृदय गर्भ में ज्ञान हो गया था, बिना गुरु के भगवान के विष्णु जी के लोक में चला गया, वहां से वापस पटका के चला जाए, यहां से गुरु धारण करके आइए। जब राजा जनक को गुरु किया कहते फिर वो ठिकाना पाया जहां तक का गुरु उसको मिला था। और रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरु आ गए थे। और परमेश्वर ने स्वयं गुरु की ये महिमा रखते हुए, मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं तो आप पे फेल ही हो, जब शिवदयाल जी फेल है तो पूरा पंथ फेल हो गया, ये समझे इनकी जड़ दिखा दी सकते। अब शिवदयाल जी की क्या दशा हुई वो दिखाते हैं, देखिएगा। जीवन चरित्र है, हम यहां दिखाते हैं राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, इसका लेखक कौन है, लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, ये शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह, इसका लेखक प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये कहाँ से छपा है ये देखिए, ये है शिवदयाल जी, कर लो दर्शन कर लो दर्शन महात्मा जी के, आप डूब गया दुनिया डूब हो गया, भूत बन गया फिर आखिर। ये 17वीं बार 5026 सन 2006 में वो हमारे पास है, राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद, ये इनके फोन। अब देखिएगा इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कि इनका कोई गुरु नहीं था, ये देखिएगा। इस ये जीवन चरित्र है स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी का, 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। और गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है वो आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए भय हो गए भूत मसाण। क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चारों युगों में प्रमाण है उनका, चारों युगों में आए हैं, ज्ञान देकर सहसरी चले गए सहसरी आए हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाण। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हे लरे, हीरे माणिक बोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है वो आद परम गुरु पीवे। कि वो परमात्मा भी हैं और सच्चे सतगुरु का भी रोल वही करने आते हैं, और उनसे जीव का मोक्ष होगा, और जो झूठे गुरु थे वो शमशान में भूत बन गए। ये दशा हुई शिवदयाल जी का, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था, ये दशा शिवदयाल जी की हुई क्योंकि परमात्मा के विधान के विरुद्ध साधना है इनकी। 28 पृष्ठ पे वही जीवन चरित्र, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का हम पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और न ही किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो क्या बनाया, दिखाता हूँ क्या बनाया। ये 78 पृष्ठ पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का, 71 नंबर इनका ये वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने, और वे वचन हृदय में समा गए,
तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन यानी प्रवचन करते थे या पोथियों का अर्थ पोथियों का करते थे, तब उनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अरे देवता, हुक्का भी पीता था परम धनी। और हुक्का पीने वाले के बारे में सुख संवेद में क्या कहा है, कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी, सत्र जन्म कटेंगे सीसम, साक्षी साहब है जगदीशम। मदरा पी व कड़वा पानी, सत्र जन्म समान के जानी। कहते सौ नारी जारी करे और सुरापान सौ बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी दारे। सुख संवेद में क्या बताया है के सुरापान मदमासाहारी और गमन करें भोगें पर नारी, सत्तर जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। को शराब पीता है पर नारी यानी किसी की दूसरे की पत्नी के साथ बुरी नीत रखता है, सुरापान मदमासाहारी और मांस खाते हैं, उनका कहते हैं सत्तर जन्म कटेंगे शीशम, उनके सत्तर जन्म तक उसके सिर कट के मृत्यु होगी, कभी किसी रूप में कभी कहीं पर किसी कारण से कुत्ते बकरे गधे बनकर। फिर बताया है कि सौ नारी जारी करे, एक नारी परगमन करने से कितना पाप, सत्र जन्म सिर कटेंगे। फिर कहते हैं सौ नारी जारी करे सुरापान सौ बार और एक चलम हुक्का भी भरने वो डूबे कालीदार, भर के देने वाले को पाप है किसी को सहयोग करने में, और जो पीता उसका तो सर्वनाश है। तो शिव जाल जी तो हुक्का भी पीते थे। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कौन करे बंदगी भैये तो करे खराब। तमाखू इस तरह के जो व्यसन करता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जीवित प्रमाण है आपके सामने। शिवजाल जी भूत बने, यू हुक्का भी पीता था, नकली साधना भी करता था, पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी था, काल के फंस गया, अरे बना दिया चौधरी साहब बना दिया गुरु, अंधों में अंधा गुरु। कहता अंधे की बाप गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, ये दास है आंखों वाला, ज्ञान के नेत्र दास के पास है। स्वामी जी महाराज फिर देखते हैं, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे और या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई बत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। आगे हम पढ़ते हैं, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा दार हो गया था, सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। किसकी, बुक्की की। क्योंकि बुक्की जी को स्वामी जी महाराज की बहुत ऊंचे देश में पहुंच जाती थी। शिवदाल ना मेरा मकान कौन सा है, सतनाम कौन सा है, बुक्की की दुकान जाएगी सूरत। देखो जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी शिवदाल जी की जब मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, ये हालत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सुर स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी थी रहती थी। 80 पृष्ठ पे करीब डेढ़ महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ कि शायद दिन की देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी टार करती थी और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग भी बिछाती, हुक्का भी भरती थी। अब लेखक कौन है, ये शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह कह रहा है कि जहाँ पर पहले शिवजाल जी रहते थे, साधना करते थे,
वो पन्ना गली आगरा में वो छोटे भाई का बट्टा आ गया होगा स्थान उसके बाद में, तो कहते जहाँ शिवदाल जी डेरा डाले रहते थे वो मेरे बट्टा आ गया शिवदाल प्रताप सिंह, तो उसी में जहाँ वो पहले रहता था वहीं वो बुक्की मार के बैठ गया भूत बन के, और फिर कहा कि तू तो हुक्का भर खाना बना और उसी पलंग पर बैठ कर खाऊंगा जहाँ पहले बैठा करता। अब बुक्की में आ गया शिवदयाल जी, हाँ बुक्की वो रोटी बनावे, हुक्का भर के पलंग पर बैठे फिर बुक्की और वो रोटी खा के गुरुड़ गुरुड़ फिर हुक्का पीवे शिवदयाल भूत, और वो नो नामी लोक में चला गया, वो तो राधा स्वामी लोक में नहीं, वो तो बुक्की लोक में आ गया उल्टा है। फिर देखिएगा तब स्वामी जी को इनके दर्शन, स्वामी जी ने इनके दर्शन दिए किसको बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग तैयार करने लगी करती थी, रोटी बनाती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी। जैसे शिवदयाल जी जीवे था जब पलंग बिछा कर हुक्का भर कर उनको पीने के लिए रोटी खिला कर देती थी, तो फिर अप पर रोटी बना के खा के और पलंग पर बैठ कर हुक्का पीती थी। उसका माँ भूत पीवा था, वो बुक्की पहले हुक्का भी ना पीती थी, वो भूख शिवदयाल जी भूत उसमें बढ़ कर फिर हुक्का पीने लग गया। पहले की दस्तूर हुक्का भी भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर यानी पहले सेवा करती किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जो अंतर जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। जैसे मरने से पहले रोटी खाता था हुक्का पीता था उसके बाद वो उस बुक्की में प्रवेश करके ऐसे खाने लगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक बुक्की नाम रही उसमें रहा वो भूत शिवदयाल जी बुक्की लोक में बैठे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफियात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लाग गया फिर वो उसमें बोलन लायक गया, वो भूत बोले उसका गर्ज करे महाराज ये दुख हो गया जिसा समाधान पहले करता था फिर उसे फिर बताने लग गया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कह रहा है प्रताप सिंह कि मुझे भी कोई दिक्कत आपत्ति आती थी, भीड़ पड़ती थी और उस समय भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म दिया करता था। बुक्की जी का अगर बोलते शिवदयाल अंदर बैठा ही था और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने एक और था उनका गुरु बाद में बना राय साहब, राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। ये है इनकी हिस्ट्री भाई। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक बुक्की के अंदर अपनी शिष्या में बन भूत बनकर बैठा है, वहाँ शंकाओं का समाधान कर रहा है। ये कहो तो नामी लोक में चले गए, वो तो बुक्की लोक में फटोगे और बुक्की में वहीं जब तक रहे जब तक वह मरी नहीं। तो पुण्यात्माओं संदास का उद्देश्य इतना सारा प्रयत्न करने का ये है कि आप तो बचो जो शेष बचे हो, निकलो उस नरक से, आओ सतलोकाश्रम बरवारा जिला हिसार में अपना कल्याण कराओ। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुराणी जिला दुर्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास जी गांव खेखड़ा जिला बागपत और उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सबको भगवान मिले।
उन्होंने कौन बताया परमात्मा? नानक साहिब जी ने कहा है, धर्मदास जी ने तो देखकर आए हमने बताया है कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, परमात्मा कबीर साहब को वहाँ देखा, फिर नीचे देखा, होए वही रूप हल्का शरीर तेजपूज का शरीर बनाकर नीचे आए हैं मालिक। धर्मदास जी ने वही बताया कि काशी में जो कबीर परमात्मा प्रगट से धानक जुला वो मालिक हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सत्य पुरुष हैं, वहाँ भी मनुष्य दृश्य हैं, वहाँ पूरी सृष्टि है सतलोक के अंदर ऐसी ही, लेकिन ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये नाशवान है, वो अविनाशी सृष्टि है। आप सभी वहाँ रहते थे, यहाँ से जो दास आपको साधना बता रहा है, जब तक यहाँ रहोगे आनंद से रहोगे, सब दुखों से बचे रहोगे, और जाओगे जो सतलोक विमान में बैठ कर चले जाओगे, जो साधना दास बता रहा उससे। और यही साधना किन किन महापुरुषों ने की? आप जी को सत्संग के प्रारंभ में एक ज्ञान दिया बताया था कि परमात्मा ने कहा था कि बर्मा पंथ जो मेरे नाम से काल चलाओगा, उसमें पुण्यात्मा गरीबदास जी आए थे, उनके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसको फिर हम आकर पुनः बताएंगे, समझाएंगे। तो गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर वापस छोड़ा था। नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। दादू साहिब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। गीसा दास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड ले गए थे, वापस छोड़ा था। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं कराकर फिर सत भक्ति दी थी, कहा था कि ये है स्थान तुम्हारा, ये यहाँ ये व्यवस्था है, अभी इसको डिक्लेयर ना करना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाए, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है, मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी बिचली पीढ़ी हंस नित रही, मूल ज्ञान तब तक छुपाए जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो इस दास को आदेश दिया इस मूल ज्ञान को समझाने का, परमात्मा ने भी कहा था कि मैं आऊँगा फिर दोबारा उस ज्ञान को सच्चे ढंग से समझाएंगे, जब 5505 कर युग बीत जाएगा उस समय यह प्रचार शुरू होगा। अब है वो प्राइम टाइम जो दास के ऊपर कृपा हुई है और आप पर रजा हो रही है, क्योंकि आप इस समय जन्मे हो मनुष्य। उन महापुरुषों ने किसको भगवान बताया? नानक साहब ने क्या कहा है कि एक तेरा नाम तारे संसार में, ए हो आस ए हो आधार, ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब की महला पहला की वाणी है। 721 पृष्ठ पे नाम लिख दिया है गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब का, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम, तो हक्का कबीर करीम यानी दयालु, सत कबीर, हक्का बने सत सच्चा अविनाशी, और कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा कि नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा क्यों कर मोंडा पावे। एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, एक सेकंड में ऊपर बैठा है सतलोक में। यही ना रामानंद जी ने कहा था, जो परमात्मा को ऊपर भी देखा और नीचे देखा, दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मग जो, वहाँ से चल कर आए हो हमारे लिए। गरीबदास जी ने क्या कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमा है कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सृजना। इन महापुरुषों ने कौन से मंत्र किए थे, कौन सी साधना की थी जो परमात्मा ने इनको बताई कि ये भक्ति करो तुम तब यहां आओगे? दिखा तो मैंने दिया तुम्हें कि ये है तुम्हारा मूल स्थान, परमात्मा ने अपने विटनेस बनाए, गवाह बनाए। उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट लिख दिया कि काशी में जो जुल्हा था वो पूर्ण परमात्मा है, हमने आंखों देखा। उनको फिर कौन से मंत्र दिए थे? यही नाम दिए थे, पांच नाम, पांच प्रधानों के जो दास आपको देता, पहले ये पांच ही देने थे, अब ये सात देने हैं परमात्मा का, क्योंकि ये समय अब आया है मोक्ष कराने का, अब ये सात नाम देने हैं। उसके बाद फिर दो अक्षर का नाम सतनाम है। कई भक्त कहते हैं कि
एक ऐसे नकली हा गुरु आया हुआ था, एक दिन किसी भक्तों के कहने सुनने से आ गया, वो नाम ले लिया, सतनाम भी ले लिया उसने। फिर करता है वो विवेक, बकवास करता है कि वही नाम है, उनको सतनाम बता रहे हो, ये काहे की बात है, ये क्या हुआ। तो इन में अकल तो है नहीं, क्योंकि उनकी तो प्रभुता खत्म होती है, उन्हें तो बठा अपना बठाना है, जीवों को भी उलझाना है, उनका इतना ही काम है। लेकिन नहीं, एक जड़ी है, एक पांच जड़ी मिला दी जाए तो उनका गुण कुछ अन्य होता है, दो जड़ियों को उस अलग ढंग से मिला जाए तो उनका कुछ लाभ अन्य होता है। तो इसी प्रकार देखो, आटा वही होता है और घी बूरा चीनी वही होती है, उसी के लड्डू भी बना लेते हैं, उसी की बर्फी भी बना लेते हैं, उसी से यानी चूरमा भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं, तो अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन जड़ी का एक अलग से विधि है, जो जड़ी जैसे अकेली कोई वस्तु खाते उसका अन्य लाभ है, दो मिक्स कर देते उसका अन्य लाभ है। जैसे इसमें आता है आयुर्वेद के घी और शहद को अगर बराबर मिला ले तो, और इसको असंभाग विषम भाग में मिला दे, यानी घी से दुगना शहद या शहद से दुगना घी मिलाकर और मिलाकर खावे तो अमृत बन जाता है। तो इसी प्रकार इन मंत्रों की जो दास आपको देता है, इसमें भ्रम ना पड़ना, क्योंकि ये खुद परमात्मा के दिए मंत्र हैं। विश्वास करने के लिए ये पर्याप्त है कि यही मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, जब इसमें जन्म साखी भाई बाले वाली में समुद्र की साखी में नानक साहब जी अपने मुख से बोल रहे थे मंत्र को, मर्दाना ने भी सुन लिया, वो भी बोलने लगा तो डूबने लगा, तो नानक साहिब जी ने कहा था ये जाप मत कर, तो वही कर जो मैंने बोला है, वाहेगुरु जाप कर। क्योंकि उस समय इसको गुप्त रखना था, और बोल इसलिए दिया कि आने वाली पीढ़ी में प्रमाण होगा कि मैं ये जाप करता था, ये सिद्ध हो गया। फिर धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये सार नाम कई बार ना जाई, धर्मदास जी को बनाकर रखा था कि सार नाम और सतनाम अभी बताना नहीं, और गरीबदास जी ने भी ये मंत्र किसी को नहीं दिया, लिख रखा ग्रंथ साहिब के अंदर। इस दास को मिले ये कंप्लीट कोर्स। गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जपकर थर ओई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या धुनी तपिए। कहते हैं और ये धुनी दाने तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, ये मंत्र जाप करना, ये कैसे जाप करना ये दास बताएगा, मंत्र का पता भी लग जाता है तो कोई लाभ नहीं होगा जब तक इस दास से प्राप्त नहीं होगा। और गीसा साहब की वाणी में आता है कि ओम सोहम जपले भाई राम नाम की यह कमाई, गीसा दास की वाणी। अरे गीसा पंथी ये पूरा एक शब्द है उनका, गीसा दास जी का ये पूरा शब्द रटते हैं, ओम सोहम जपले भाई राम नाम की यह कमाई, ओम सोहम जपले भाई। वो जप है क्यों करे, वो कौन सा जप करना है, वो इस दास के पास वो खजाना उपलब्ध है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो आज जो सत्संग प्रारंभ किया था कि अपने सद परमात्मा को पहचानने के लिए हम साधना कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, उसके लिए हमारे सदग्रंथ हमारा छुरी है, हमारा सिलेबस है, और प्रैक्टिकल जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकली किया, कौन सा किया, कौन सी भक्ति की उनसे परमात्मा मिले, वो आज आपके रूबरू कर दिया। और जिनके पास वो ज्ञान नहीं, वो भक्ति नहीं, वो साधना नहीं, उनकी क्या दशा हुई, शिवदयाल जी से आपने खूब पता लग गया होगा। और शिवदयाल जी के अंतर्गत ये जितने भी करोड़ों 10-20-30 करोड़ जीव फंसे हैं, उनकी भी वही दशा होगी जो शिवदयाल जी की हुई है जिस साधना से, और वही को वो कर रहे। तो दास की प्रार्थना है उन भोले श्रद्धालुओं से कि आंखें खोलो, भगवान ने शिक्षा दी है, बुद्धि दी मनुष्य वाली, अब तो संभलो और आओ सतलोकासर बरवाला जिला सारा हरियाणा में अपना कल्याण करवा लो। आंखें पलके बिछाए बैठे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले, हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में
लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते बच्चों। हमने परमात्मा शब्द सुना था, इसको भाषा भिन्न करके किसी कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है। और इस बात की सभी गवाही देते हैं कि वो शक्ति बहुत प्रबल है। राजा लोगों को हम संपन्न मानते रहे, मानते हैं। एक निर्धन नागरिक राजा को बहुत बड़ा पावरफुल मानता है, और राजा पर भी जब आपत्ति आती है तो वो भी किसी अपनी जैसी भी परंपरा में जन्मा है, अपने अल्लाह खुदा गॉड राम रब भगवान की ही शरण में पहुंचता है। यानी अपने राज काज में जब उसको भी कोई दिक्कत आती है, वो तो सक्षम माना जाता है पृथ्वी पर, वो भी परमात्मा की खोज करता है, उससे राहत चाहता है। इसे सिद्ध है कि वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, और वो भी दे सकता है जो राजा नहीं दे सकता, जो राजा के पास भी वस्तु नहीं है। राजा क्या नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब तक हम सोचते थे मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दे दी। नहीं, रोजगार भी परमात्मा देता है। करे करा वैसाइयाँ मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। जो कुछ भी करता है भगवान करता है। वो करता कैसे है कि जिस पहले वो शुभ संस्कार बनवाता है और फिर उसको राहत देता है। तो शुभ संस्कार बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना से। शास्त्र के अनुकूल जो भक्ति हम करेंगे मर्यादा में रहकर, तो शास्त्र अनुकूल साधना में सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सतगुरु बताता है फिर शास्त्र अनुकूल साधनाएं। तो जब तक हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है और हमें कुछ राहत कहीं से हम महसूस कर रहे हैं किसी देव ईष्ट या संत के खेमे में जाकर, उनके पास जाकर के, या किसी मंत्री मुख्यमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से, या किसी सेठ फैक्ट्री मालिक से, हम ये सोचते हैं कि इसने हमें कुछ राहत दे दी, तो वो हमारी एक सांसारिक सोच थी। ये सब कुछ परमात्मा व्यवस्था करते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं जिनके पूर्व संस्कार पिछले जन्म जन्मांतर के कोई शुभ संस्कार हैं, और वो पहले निर्धारित होते हैं। ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है परमात्मा कि फिर उन्हीं को वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, अन्य को नहीं होती। तो राजा लोग भी जिस शक्ति की आस करते हैं तो वो कितनी प्रबल और कितनी सुखदाई, अर्थात वो सभी काम हमारे सर्व काज करने वाली वो पावर है। इसलिए उसकी खोज राजा लोग भी राज त्याग कर भी किया करते थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उनको सतगुरु नहीं मिले, मार्ग नहीं मिला, परमात्मा के पाने की विधि नहीं मिली। एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव में प्रचलित थी हमारे यहां, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था
किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया, उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले, कहा जी भूख लगी, बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे, कि कोई ना मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूँगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भी तेरा नाम क्या है, ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि अभी मैं राजा हूँ इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरे रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर कि अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी, ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहाँ पहुँचा, एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। जब वो पहुँचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे जो सेवादार थे नौकर थे कि यहाँ बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से अल्लाह से अपने राज में अपने घर में सुख की कामना कर रहा था, अकाल गिर गया है इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूँगा अपने घर पर, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी, मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना, बेसिक मांगते रहियो कति नहीं दे। अब शुभ संस्कार बनते कब हैं, अब बनेंगे, शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है, इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा, ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो, जो आदेश हो गुरु जी का उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद चुरासी के, कट गए फंद चुरासी के, रकट गए फंद चुरासी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए रकट गए फंद चुरासी के, कट गए फंद चुरासी के, रकट गए फंद चुरासी के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोर, मिट गई मन पापी की दोर। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पपी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रट गे फंद चुरासी के कट गे फंद चुरासी के रकट गे फंद चुरासी के भाई जो पुण्यात्माओं इतनी सी बात है। नकली गुरुओं के वचनों पर भी बहुत से श्रद्धालु डटे हुए हैं, उनको संत परम धनी मान गए, लेकिन अंत में दोनों को ही धोखा लगेगा। झूठे गुरु के आसरे कदे न उदरे जीवे, साचा पुरुष कबीरे है आद परम गुरु पीवे। झूठे गुरुओं के से भी मोक्ष नहीं होगा, पहले गुरु मिले फिर वचन पर डटे, फिर देखना संसार का भी सुख और परलोक भी सुधरेगा आपका। वो सतगुरु, क्योंकि पुण्यात्माओं अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगगी उनका उद्धार हो गया। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। लेकिन ये गले उस समय रामानंद का नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियाँ देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक, छोटा सा, तो क्या बकवास कर रहा, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहाँ मालिक रहते हैं वहाँ लेकर गए, और फिर वो वापस छोड़े, हाय हाय। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो। अपनात्माओं यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में देव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु हैं एकमात्र, लेकिन वहाँ आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह, जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला। फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहाँ आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे, और आपकी सेवा दास को दे रखी है, और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की, नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ऐसी परम शक्ति है उसकी खोज करनी चाहिए जिससे सारा ही सुख होता है, और आपको तो खोजा खाजा मिला हुआ है। दास बता रहा, प्रमाण दे रहा है, और उस परमात्मा कबीर इज गॉड, छह तो गवाह हैं दास के पास, छह गवाह उस पर कबीर इज गॉड। कौन कबीर? धानक रूप रहा करतार, वो काशी के अंदर जो धानक जुलाहा था वो भगवान, और सारे सदग्रंथ गवाह।
और फिर भी ना समझ में आओ तो बता, फिर परमात्मा कहें फिर हम क्या करें, फिर और कौन सा तरीका अपनाएंगे आपके लिए भगवान को पहचानने के लिए और उससे गुण लाभ प्राप्ति करने के लिए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब से तुम यहां आए हो मेरे को छोड़कर सतलोक से, और तुम्हारी ये दशा आप देख ही रहे हो पुण्यात्मा, घड़ी कैंड की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, ज्ञान भी समझ रहे हो। जो ज्ञान दास दे रहा है ये मेरा नहीं है, इस दास का नहीं है, ये तो उस परम पिता परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा दास। दुर्गा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पिलौंजी जिला कटनी मध्य प्रदेश। दुर्गा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 10 नवंबर 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर पहले करते थे, राम कृष्ण और शंकर जी की, देवी शारदा माई की, इनकी भक्ति करते रहे। तो सर जो भक्ति राम कृष्ण और देवी देवताओं की आप करते थे, तो वो भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? सर वो भक्ति साधना मैं 18-20 साल तक की। तो सर जो भक्ति साधना ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा और सभी देवी देवताओं की आपने 18-20 साल तक की, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो कुछ नहीं हुआ सर उससे, और घाटा ही लगा। जैसे हम पहले गाँव में कीर्तन उठाए थे प्रभात फेरी सुबह सुबह का, उसमें गौरी शंकर सीताराम जी का भजन गाते रहे और 4 बजे सुबह स्नान करके और गांव में फेरा लगाया करते थे। हुआ क्या कि उससे हमारा एक छोटा लड़का है वो बीमार पड़ गया, इसके बाद 1 माह तक इलाज चला, उसके इलाज के बाद वो ठीक हुआ किसी तरह से, तो हमारी लड़की बीमार पड़ गई। हमारी लड़की इतनी बीमार पड़ी सर कोमा में चढ़ गई, 15 दिन होश नहीं आया। फिर हम कटनी के डॉक्टरों को दिखलाए, ठीक ठाक बहुत दिनों में ठीक हुआ। ऐसे और सारी बीमारियां, मेरा ये सर भी दर्द बहुत किया करता था, तो इससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। नशा भी करता था, वो नशा मैंने आज 18-20 साल हो गए। पहले मैं एक नांगापंथी साधु से के साथ दीक्षा लिया था, वहाँ पहले से गांजा नहीं पीता था, वहाँ जाने के बाद तमाम गांजा पीने लगा, चरस पीने लगा, बीड़ी सिगरेट सारे नशा करने लगे। कई बार छोड़ने का जिक्र किया लेकिन छूट नहीं पाया, 1-2 बार छोड़ा भी एक दो माह, लेकिन फिर से पीने लगा। आज की स्थिति में मैं 40-45 हज़ार का गांजा पी गया। हमारे पिताजी भी भक्ति कर रहे थे, यही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, देवी शारदा जी की भक्ति करते रहे। हमारे घर में दीवाल है, वो सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करना तमाम दुनिया भरी का करते थे, झाड़ फूंक भी करते थे, उससे लाभ आप कुछ नहीं हुआ है, एकदम बीमारी आ गई। वैसे घर के बीमारी थे और इलाज बहुत जगह करवाए लेकिन ठीक नहीं हुआ, अंत में उन्होंने 2002 में ख़त्म हो गए। माता जी भी इसके बाद 4-5 साल जी, इसके बाद वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो सर आपने बताया कि देवी देवताओं की भक्ति करते करते आपकी माताजी पिताजी का देहांत हो गया, इसके अलावा आप नशे की लत में भी पड़ गए और आपके बच्चों को भी काफी बीमारियों से जूझना पड़ा, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहां से मिली? संत रामपाल जी के विषय में हमें जानकारी लगी अभी 3 साल पहले सर। हमारा मझल्लड़ का पहले दीक्षा नाम लिया, वहाँ से लेकर के दीक्षा नाम लेकर के आया जैसे भी, और हमें कहने लगा कि ज्ञान सच्चा है और यही ज्ञान सार्थक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने बाद मैं टीवी घर में लाया बच्चे के कहने पे, वो टीवी चैनल में देखता रहा साधना चैनल पे, तो 1-3 बार तो मुझे समझ में नहीं आया।
इसके बाद जब यह पता लगा कि संत रामपाल जी वेदों के आधार से, शास्त्रों के आधार से भक्ति बता रहे हैं, तब मुझे पता चला कि यह भक्ति तो मैं बहुत दिन पहले से कोशिश कर रहा था, खोज कर रहा था कि मैं ये ज्ञान कहाँ छुपा था। परमात्मा, आपने ये जो ज्ञान सुनाया, इससे मेरे दिल के दरवाजे खुल गए और इसके बाद मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा जगी कि मैं कितना जल्दी से जल्दी नाम लूँ। छोटे लड़के के बाद 6 महीने बाद मैं भी दीक्षा जबलपुर से लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे लाभ हैं, जैसे मैं पहले गांजा पीता था, परिवार के दुखी रहते थे, लड़के बच्चे भी दुखी रहते थे, तो जब से नामदान लिया तब से ये नशा छूट गया मेरा, और उलूल जुलूल संगत में बैठना तमाम ये सब छूट गया। नाम लेने के बाद संत रामपाल जी की हिसार तारीख पर मैं आ गया यहाँ, तो मेरा जो पानी में खेत में पानी लगाया हुआ था गेहूँ बोने के लिए, वो लेट हो गया और खेत सूख गया। जब मैं यहाँ से गया तो देखा तो चला करके ट्रैक्टर जैसे देखा तो सूखा था खेत। मैंने सोचा कि देर हो जाएगी, तो इसके वजह से मैंने गेहूँ बो दिया और ऊपर से जब पानी लगाया तो भरा भरा करके खेत लगाया पानी, तो सर मेरा गेहूँ एकदम सड़ गया। इतने इतने दूर पर एक एक फुट पर 9-9 इंच पर गेहूँ जमा। इसके बाद जब जमा गेहूँ तो मेरा मन एक भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा इसको खेत को ओसक दिया जाए। बच्चा ने बोला कि नहीं रहन दो, परमात्मा जो भी देंगे ठीक रहेगा, पर इस बार घाटा ही रहने दो, लेकिन उसको मत। और अगल बगल के लोग बाग कहते थे कि आप संत रामपाल जी की तारीख में गए थे, क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी ऐसी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद एक पानी लगाया, यूरिया डाला, तो सर ऐसा चमत्कार हुआ कि वो गेहूँ 50-50 सारा ही फूटा, इतना इतना रोपा जैसे हो गया। बाद में चमत्कार चमत्कार ही बन गया। अगल बगल के आसपास खेतों से बहुत तगड़ा गेहूँ मेरा आया, ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये है कि पहले मेरा ये सर दर्द कर रहा था जब नाम नहीं लिया था, बहुत तकलीफ थी, कई बार इलाज किया लेकिन आराम नहीं हुआ। मैं 100-150 गोली खा गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और जिस दिन से मुझे सतनाम मिला, कुछ दिन के बाद 6 महीने बाद, कि मेरा ये पूरा शरीर की पीड़ा, पैर में दर्द होता था वो भी ठीक हो गया। ऐसे लाभ हुए और ऐसे होते रहते हैं। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश मैं क्या दे सकता हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आइए। आज संत रामपाल जी जो ज्ञान वेदों अनुसार बताए, ये ज्ञान सच्चा है। और जिस प्रकार मेरे नशे छूट गए और मुझे कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ मानसिक लाभ हुआ, इस प्रकार आज जो श्रद्धालु भक्त देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके तो संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी की शरण में टीवी चैनल में कई चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर फोन नंबर है, जो भी फ़ोन नंबर आप उनसे कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी जिला स्तर पर नामदेन केंद्र सारे हिंदुस्तान में खोले हुए हैं, और जिस भी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे आपको नज़दीकी उस नंबर पर बता दिया जाएगा और आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहेब।